दोस्तों होगा का प्ले में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है 1GB रैम वाला मोबाइल है या 2GB रैम वाला या 3GB रैम वाला मोबाइल है और आप ऑनलाइन गेम खेलती हो लाइक फ्री फायर गेम खेलती हो ना, तो आप अपने मोबाइल के अंदर जो है ना 90 FPS को आप एक्टिवेट कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शन सेटिंग दिया होता है और इस डेवलपर ऑप्शन सेटिंग की मदद से जो है ना आप अपने मोबाइल के अंदर जो है ना 90 FPS को एक्टिवेट कर सकते हो। और जब आप 1GB रैम में जो है ना जब आप फ्री फायर गेम खेलेगे ना तो इतना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा ग्राफिक को आप बढ़ा सकते हो सस्ते मोबाइल के अंदर जो आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। जी हां, तो आज का जो वीडियो ना बिल्कुल खतरनाक कमाल का वीडियो बनने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कीजिएगा। सभी फ्री फायर गेमर के लिए जो ना आज का जो वीडियो है बिल्कुल खतरनाक कमाल का वीडियो बनने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, फ्री होता है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्लिक ऑल पे सेट कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाओगे, ठीक है, 1GB रैम आपके पास जो है ना मोबाइल है या 2GB रैम है या 3GB रैम है कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, सभी मोबाइल के अंदर यह सेटिंग मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो ना अबाउट फोन सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो अबाउट फोन सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा और यहां पे आपको जो ना देख रहे हैं यहां पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा वर्जन, इस पे क्लिक करना होगा, बिल्ट नंबर को आपको 7 बार दबाना पड़ेगा। जैसे कि मैं 7 बार दबा दिया, एक हिडन सेटिंग जो ना एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आप हिडन सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा ना तो ये सेटिंग एडिशनल सेटिंग से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो ना डबल पर ऑप्शन सेटिंग मिलेगा, इस पे क्लिक करना होगा। तो ये जो डबल पर ऑप्शन सेटिंग है ना काफी सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगा, मतलब कि सैकड़ों सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी डबल पर ऑप्शन सेटिंग के अंदर मैं आपको 4 सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आप 90 FPS को एक्टिवेट कर सकते हो, ग्राफिक को आप जो ना काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस जो ना काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जी हां, तो मैं आपको सबसे पहला सेटिंग के बारे में बता देता हूं कि कौन सी सेटिंग मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे जाओगे ना तो यहां पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, यहां पर अनेबल GPU डिबगिंग यहां पे लेयर होगा। जी हां, ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट यहां पे बंद होगा, ऑन कर देना। इसे ऑन करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर आप फ्री फायर गेम खेलते हो और फ्री फायर गेम खेलते समय आपको पता होगा कि जो ट्री होता है यानी कि पेड़ होता है उसके अंदर जो ग्रास होता है ना विजिबल दिखाई देने लगता, धुंधला दिखाई देने लगता, ब्लर दिखाई देने लगता है, आपको अच्छे से जो है ना आपको क्लियर में ग्राफिक आपको दिखाई नहीं देता। जी हां, लेकिन दोस्तों वो सेटिंग ऑन करने के बाद जो आपका जो ग्राफिक होगा ना वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, जो पेड़ होगा चाहे वो ग्रास होगा बिल्कुल HD क्वालिटी में दिखा, बिल्कुल मतलब कि ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। जी हां, आप ट्राई करके देखोगे ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। ये सेटिंग करना काफी जरूरी है, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया, जो आपको GPS वाला आपको सेटिंग करना काफी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहां पे बात करेंगे दूसरा सेटिंग के बारे में जो डेवलपर ऑप्शन सेटिंग के अंदर छुपा हुआ। तो नीचे जाओगे ना तो यहां पर आपको ग्राफिक्स ड्राइव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आप जो ना अपने मोबाइल के अंदर जो ना यानी कि 1GB रैम है या 2GB रैम है या 3GB आपके पास मोबाइल है ना, तो उसके अंदर जो ना 90 FPS को एक्टिवेट करोगे और जब आप 90 FPS को एक्टिवेट करने के बाद तो गेम खेलोगे ना तो उसका ग्राफिक काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। जी हां, तो ग्राफिक को बूस्ट करने के लिए, ग्राफिक को बढ़ाने के लिए आपको ग्राफिक ड्राइव परफॉर्मेंस के अंदर जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो ना एक मतलब कि फ्री फायर को आपको सर्च करना होगा, चाहे वो आप पबजी गेम खेलते हो यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फ्री फायर गेम खेलती हो ना, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता फ्री फायर को, फ्री फायर को यहां पे देख सकते हैं फ्री फायर मैक्स यहां पे आ चुका है, तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको डिफॉल्ट में सेव होगा, डिफॉल्ट में रखना आपको सिस्टम ग्राफिक ड्राइव में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम का जो ग्राफिक है वो एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग बंद होता है। तो आपको एक्टिवेट करोगे ना तो 90 FPS एक्टिवेट होने के बाद जब आप गेम खेलोगे ना फ्री फायर गेम, तो यार आपका जो ना बिल्कुल चौंक जाएंगे, इतना ज्यादा HD दिखेगा, इतना कमाल का दिखेगा, फुल HD FPS में आप खेल पाओगे, 90 FPS में आप खेल सकते हो, उसका ग्राफिक बिल्कुल काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का दिखने को मिल जाएगा, ट्राई करके जरूर देखना। ये था दूसरा सेटिंग में आपको बता दिया। आप बात करते डेवलपर ऑप्शन की, तीसरा नंबर का सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो तीसरा नंबर का सेटिंग जानने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे जाने के बाद मैं आपको एक सेटिंग और बताऊंगा, जो 4 गुना आपका फोन का स्पीड जो ना बढ़ जाएगा। अगर आप 1GB रैम के अंदर जो ना आप फ्री फायर गेम खेलते हो ना मैक्स, तो उसके अंदर लैग काफी ज्यादा होता है, रुक रुक के चलता, अटक अटक के चलता है। तो उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 4 गुना स्पीड करना पड़ेगा। तो 4 गुना स्पीड करने के लिए यहां पर आपको
मिल जाएगा 4XMSAA, जैसे कि आप देख रहे हो ये बाय डिफॉल्ट ये सेम मतलब कि बंद होता है, इसे ओपन कर देना होगा यानी कि ऑन कर देना होगा। तो जैसे ऑन करने के बाद दोस्तों यहां पे लिखा है कि यानी कि 4 गुना आप अपने फोन का परफॉर्मेंस को जो ना काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा, इतना ज्यादा फास्ट कर देगा जो आप 1GB रैम के अंदर मोबाइल के अंदर जब आप फ्री फायर मैक्स खेलोगे ना तो इतना ज्यादा स्पीड चलेगा। सबसे पहले एनिमी को आप किल कर दोगे, एनिमी को आप मार दोगे, वो बंदा बिल्कुल ही चौंक जाएगा। जी हां, तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये सेटिंग को ऑन करने का, काफी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते लास्ट वाला सेटिंग यानी कि 4 नंबर का सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो 4 नंबर का सेटिंग जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा नीचे। दोस्तों यहां पे आपको एक सेटिंग और देखने को मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखें फोर्स अलाउ ऐप एंड एक्सटर्नल स्टोर यहां पे देखने को मिल जाएगा स्टोरेज। जी हां, इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या होता है कि जब आप 1GB रैम के अंदर मोबाइल के अंदर गेम इंस्टॉल करते हो या 2GB रैम या 3GB रैम के अंदर, तो उसके अंदर जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना बहुत ही कम होता है। तो उसके अंदर गेम खेलोगे ना तो स्टोरेज जब कम होगा ना तो वो सांस नहीं ले पाएगा, नहीं परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल बेकार देगा। लेकिन अगर ना आपने मेमोरी कार्ड लगाए ना, यानी कि एक्सटर्नल एक मेमोरी कार्ड होता है ना, जब आप अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड लगाएगा ना तो आप जो ना एक्सटर्नल यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाए हो तो ये सेटिंग को जब ऑन कर दोगे ना तो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस हार्ड देगा, यानी कि सारा फोर्स जो ना मतलब एक्सटर्नल के अंदर चला जाएगा, जो आपने मेमोरी डाला ना पूरा फोर्स जो ना उस मेमोरी के अंदर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेमोरी काफी ज्यादा खाली होता है, तो उसके अंदर पूरा परफॉर्मेंस जाएगा। तो आपका मोबाइल बिल्कुल लैग नहीं करेगा, बिल्कुल हैंग नहीं करेगा, स्मूथली तरीके से आपके मोबाइल के अंदर जो ना फ्री फायर मैक्स को खेल पाओगे, जो आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। ट्राई करके जरूर देखना, ये चारों सेटिंग बताया हूं जो डबल पर ऑप्शन सेटिंग के अंदर छुपा हुआ सभी फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जब आप ये सारा सेटिंग करने के बाद 1GB रैम या 2GB रैम के अंदर या 3GB रैम के अंदर, तो 90 FPS को आप जो ना एक्टिवेट कर सकते हो, ग्राफिक को बूस्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इनहेंस कर दो, फास्ट कर सकते हो। जी हाँ, तो आप ट्राई करके जरूर देखना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो ना सभी फ्री फायर गेमर के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का लगा। तो प्लीज मेरे भाई ये वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पिल को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने ख्याल लेकर टेक केयर एंड गुड बाय।